রাজ্যত এতিয়া কেৱল হত্যা লুণ্ঠন চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে। হিংসা ত্ৰাস আৰু মইমতলেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি। আমিও তেনেধৰণৰ বাতৰি প্ৰেৰণ কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছোঁ। এয়া কি হৈ আছে? মানুহৰ মানৱতাবিলাক কিয় শেষ হৈ গৈছে? হয়তো আমি সংবাদ মাধ্যমবোৰেও সেই বাতৰিবোৰ প্ৰায় দি থাকোঁ। আমি বাতৰি আহিলে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিবই লাগিব। তাৰে মাজতে বিশৃংখলতাৰ ৰাজ্যখনলৈ যদি এনেকুৱাও ভিডিঅ' কিছু সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আগবঢ়োৱা হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ কিবা অলপ হ'লেও সমাধান হ'ব পাৰে নিশ্চয়। আৰে ভাইয়া, अभी तो आप दोनों वहाँ पे लड़ रहे थे और अब साथ में समोसे खा रहे हो। भाई हम लड़ नहीं रहे थे, बस लड़ने का ड्रामा कर रहे थे। पर वो क्यों? भाई मैं बताता हूँ। हेलो सपना, हम बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। रोजाना 500,000 की दिहाड़ी होती है और उतना ही हमारे घर का खर्चा हो जाता है। हमारी डॉक्टर से बात हुई है, उसने कहा है कि लल्ला के इलाज के लिए 5,00,000 रुपए लगेंगे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। ले दे के हमारे पास एक छोटी सी दुकान ही तो है, अगर इसको बेच भी देंगे तब भी 5,00,000 नहीं होंगे। पर तू परेशान मत हो, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा और हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे अपने लल्ला का इलाज करवाने के लिए। चल रखते हैं, अब हमारे काम का टाइम हो गया। लगता है बहुत परेशान है, क्यों ना हम इसकी मदद कर दें। हाँ वैसे भी बेचारे के पास इलाज के लिए 5,00,000 रुपए आएंगे कहाँ से? हमारे पास तो बहुत पैसा है ना, क्यों ना हम इसको 5,00,000 रुपए दे दें और इसके बेटे का इलाज करवा दें। हाँ हम दे तो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट पैसे देंगे तो इसे शायद अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इसको पैसा भी मिल जाए और इसको पता भी न चले। अरे वाह क्या बात है, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया यार। अगर हम लोग चाहते तो उसकी डायरेक्ट भी हेल्प कर सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो उसको लगता कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि मदद हमेशा ऐसे करनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि उस पर एहसान न करो। भाई आपने बहुत अच्छी बात कही है, भगवान सबको आपके जैसा बना।